Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest. ये कामगार फांसी ले रहा है कि मराठी आदमी को ये मुंबई से हटा रहे, मतलब और 10,000-12,000 में हम कैसा संसार चला सकते हैं। हमारे 41 वर्कर्स ने आत्महत्या की है। जैसा हमें एक धोरण है हम सब की, जितने गाँव तथे एसटी हम सा है, ये अभी चल रहा है और इसी बचने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ 41 वे 4,000 मत करो। ये दो दिन में नहीं हुआ तो इधर के दो चार जन इधर ही 6 दिन इधर ही सोते, ठंड का मौसम है। अभी तुम ही सोचो, सरकार एक दिन में बन सकती है। सुबह राज्यपाल की भेंट होती है और सरकार बन जाती है, लेकिन एसटी का विलीनीकरण करने के लिए आपको तकलीफ किस बात की? पूरे महाराष्ट्र से 11 करोड़ जनता है पूरे हमारे पीछे। तो याच्यानंतर येऊ नका आमच्या घर, आम्ही आज तुमच्या दारात भीक मागतोय। तुम्ही आमच्या दारात भीक मागायला येणार नाही, भीक मागायला आले तर आम्हाला माहिती आहे तुम्ही भीक मागणार। तुम्ही भिकारी, सर्वात जास्त भिकारी मतदानासाठी आमच्या घर येणार। नमस्कार, स्वागत है आपका तूफान कमरे में। मैं हूँ मैजबिन शेख। आज हम पहुँचे हैं आज़ाद मैदान में, जहाँ जैसे कि आप सब जानते हैं ये एसटी वाले कामगारों ने आज स्ट्राइक किया है। आइए हम इनसे जानते हैं इसके पीछे की वजह। देखिए, हम एसटी वर्कर है महाराष्ट्र राज्य महामंडल के। ये महाराष्ट्र राज्य महामंडल ये आशिया में नंबर 1 महामंडल है, पर इस महामंडल की परिस्थिति ऐसी हो गई है कि कामगार फांसी ले रहा है। मतलब इधर लिखा है महाविकास की जगह आघाड़ी ने महाफास, इसमें हमारे 41 कामगारों ने फांस लिया है। मतलब इतनी बुरी हालत हो गई इन हमारे कामगारों की कि हमको फांस लेने का दूसरा पर्याय नहीं रहा है हमारे लिए। हाँ, और ये तीनों जो सरकार में है वो मराठे आदमी, और 100% मराठे आदमी ये महामंडल में अपना है। 100% मराठे आदमी, और मराठी आदमी ने ही मराठी आदमी की हालत ऐसा है। मतलब ऐसा है कि मराठी आदमी को ये मुंबई से हटा रहे, मतलब महाराष्ट्र में मराठी आदमी का टक्का कम करने का ये साजिश चल रहा है। क्या सरकार को यही कहने का है कि तुम हमको शासन में विलीनीकरण, हमारी एक ही मांगनी है कि हमको शासन में विलीनीकरण करो। मतलब हमारा इतर राज्यों से पेमेंट है वो 50% भी नहीं है। जो कर्नाटक के ड्राइवर बस का 30,000 मिलता है, हम लोगों को 10 या 12,000 मिलता है, और 10,000-12,000 में हम कैसा संसार चला सकते हैं? हाँ, बच्चों की पढ़ाई नहीं कर सकते, इसलिए वो शेतकरी जैसा आत्महत्या करता है, कुछ नहीं होता। इसलिए हमको ही अभी आत्महत्या करने के बारे गए, और हमारे 41 वर्कर्स ने आत्महत्या की है, और ये सरकार ने शासन में विलीनन नहीं किया तो 41 का 4,000 कब हो जाएगा वो पता नहीं चलेगा। तो सरकार को कब जगह आएगी? 40 को 400 होना मांगता है, 400 का 4,000 होना मांगता है। एक ही विनंती है हमको सरकार को, हमको महाराष्ट्र राज्य शासन में विलीन करो। जैसे कि आपने देखा, इन्होंने कहा कि 41 लोगों ने अभी तक सुसाइड कर चुके हैं इस वजह से। आइए, आपका क्या कहना है? पर शासनाच्या दारात आम्हाला आमच्या चपला जिजवाव्या लागतील, आणि ह्याची परिपूर्तता शासन करणार नाही, कारण हा आर्थिक बोजा त्यांचा। कारण एसटी महामंडळ तोट्यात नसताना सुद्धा तोट्यात दाखवला आहे। एसटी जर तोट्यात असते तर अगोदर तसं काय ना काय त्याची कारणं का तोट्यात गेली ह्याची कारणं शासनाने अधिकाऱ्यांनी हेच काढली पाहिजे। आणि एकच मागणी की शासनात विलीनीकरण, कारण एवढा तुटपुंजा पगारात आता होत नाही आहे मेन म्हणजे। आणि शासनात विलीनीकरणाचा मुद्दा असा आहे की तुम्हाला सातवेतन आयोगाप्रमाणे तुम्ही जर पेमेंट देत आहे, मग विलीनीकरणाला तुमच्याकडे काय अटकाटी आहे? कुठेतरी शिस्त आहे डाव म्हणून आमच्या पोटावरती घातला जातो आहे घाव, एवढंच माझं म्हणणं आहे। सर, आपने कहा की 50% भी सॅलरी आपको नहीं मिलती है, तो मतलब आपकी सॅलरी 10,000 से ज्यादा है जो आप तक नहीं पहुंच पा रही है? नहीं, मेरा भी 10 साल सर्विस हुआ है, 10 साल में मेरा 20,000 पेमेंट भी नहीं है, तो देखो कितना बुरा हालत होगा हमारा। जब मैं एसटी में लगा तो मेरा 3,500 रुपये पेमेंट था, चलो आज बढ़ेगा कल बढ़ेगा, इधर करार सिस्टम था हमारे एसटी में, करार सिस्टम मतलब 4 साल में पेमेंट का करार हो जाता है। वो करार अभी 2016 तक का भी करार पूरा नहीं हुआ शिवसेना की सरकार में, अभी भी उनकी ही सरकार है, 2020 का भी करार नहीं हुआ। मतलब अभी 10-15,000 में हम घूम रहे, उसके आगे पीछे ही घूम रहे, तो यही सरकार की वजह का हमको वो बोलता है कि हम तोटे में हम नहीं दे सकते, इसलिए हम तो बात कर रहे हैं तोटे में विलीनीकरण करने की, इसलिए बोल रहे हैं हमको शासन में लीजिए। शासन में लेगा तो एसटी का सब जगह है, सब एसटी का इम्पोर्टेंट इतना जगह है, तो वो उसमें तुम शामिल कर लो, जगह भी तुमको लो एसटी शासन की। शासन सेवा है, हे शासनाची सेवा असून म्हणजे ना नफ्यात ना तोट्यात चालणारी जी सेवा आहे। मग आता आम्ही कोणाला सेवा देतो आहे? गोरगरिबांना, जिथे गाव तिथे एसटी, जिथे रस्ता तिथे एसटी। आम्ही जसं जिथे गाव तिथे लाईट आहे,
तसा आम्ही एक धोरण आहे आमचं की जिथे गाव तिथे एस टी आमचा आहे. मग हा जो गरीब आता 1/4 तिकीट ज्येष्ठ नागरिकांना जे हे आहे तिकीट हाफ तिकीट हे सगळं कोण देणार आहे? एस टी महामंडळच देते आतापर्यंत देते ना. मग आशिया खंडातली एक नंबरला जर एस टी संस्था असेल मग ह्याचं राजन शासनात विलनीकरण का होऊ शकत नाही आहे? शासनात विलनीकरण व्हायलाच पाहिजे कारण आता हा जो कामगार वर्ग आहे हा खूप वेटाकुटीला आला अक्षरशः. तो आता अंत नाही पाहू शकत आणि ह्याला सर्वस्वी जबाबदारी प्रशासन असू शकतं अजून काहीच नाही एवढंच मला म्हणायचं. तो जैसे कि सर आपने बताया सैलरी के बारे में तो आपका गुजारा हो जाता है इतने में? हर साल हर महीने में 5-6 हज़ार तक हमको कर्ज लेना पड़ता है. मैं हर महीने का 5-5 हज़ार कर्ज करके हम कर्जा निकलते हैं हमारे एस टी बैंक से. तो फिर आप वो कर्जा कैसे चुकता करते हैं? कर्जा चुकता हमारे एस टी बैंक है वो भी हमको लूट रही है. वो भी हमको 13% ब्याज ले रही है. एस टी का बैंक हमारा बैंक खुद का बैंक 1 लाख हाँ 2 लाख रिटर्न देना पड़ता है. इस तरह से ऐसा पूरा कर्ज के नीचे ये मतलब एस टी महामंडल एक मतलब सब उसमें झोल चल रहा है. मतलब वो खाने का मतलब मुर्गी रहती है सोने के अंडे देने वाली मुर्गी वैसा ये है. वो सब राजनीतिक गाड़ियाँ प्राइवेट एस टी में बस सरकार की प्राइवेट गाड़ियाँ लगा रहे और वो गाड़ियाँ किन से शासन में जो लोग रहे उनके प्राइवेट गाड़ी चल रहे वो किलोमीटर पर चल रहे. एक भी आदमी नहीं होगा तो भी चलेगा पर गाड़ी चलना मांगता है. क्यों? किलोमीटर रहेगा तो उनका पेमेंट उनके घर पहुँच जाएगा. अभी एसटी का 1 रुपया जाता है वो मतलब इंश्योरेंस में जाता है. वो किधर जाता है? दिन में 67,000 या 70,000 मतलब लाख कर्मचारी बस में प्रवास करता है. जनता प्रवास करती है वो पैसा मतलब महीने का हुआ 21 कोटी रुपये उनके घर जाता है. उसका हिसाब नहीं है मतलब इसमें हाँ. और इसमें अंदर के अधिकारी वर्ग है उसमें भी मटेरियल का झोल स्क्रैप का झोल मतलब पूरा वो भ्रष्टाचार है. उसमें इतना घुसा हुआ है कि अभी 50 वकीलों की फौज लगा दी तो भी वो निकलने आएगा बाहर इतना झोल है. इसलिए हम कर रहे हैं कि हमको शासन में विलीनीकरण करो. इसमें पब्लिक का भी भला होगा हमारा भी भला होगा. और एस टी में कौन जाता है? सामान्य आदमी जाता है जिसके पास 2-व्हीलर नहीं होती जिसके पास ऑटो नहीं होती वही आदमी बस में प्रवास करते हैं. गांव में छोटे छोटे लड़के अभी स्कूल नहीं है. अभी स्कूल चालू होता तो सरकार को मालूम पड़ता कि ये रास्ते में पब्लिक भी पूरा रास्ते में आ जाता जाने के लिए नहीं कुछ होता. स्कूल में कोई नहीं जाता. अभी स्कूल बंद है इसलिए उनको घमेंड चढ़ रही उनको हाँ है, अभी उनको जाने के लिए कुछ नहीं है. इसमें पर्याय नहीं निकल रहे इन लोग. स्कूल चालू हो गया सगळ्यांचे म्हणजे त्यांना हाँ स्कूल चालू हो गया इन लोग का सब हे हो गया है मतलब. तो आप बैंक से जो लोन लेते हैं एसटी बैंक से तो वो टाइम पीरियड रहता है कि आपको इतने ही दिनों में वो लोन चुकते करने हैं ऐसा कुछ रहता है? नहीं नहीं वो महीने का ब्याज रहता है बराबर है. अभी 2 महीने का नहीं होता उसमें चक्रवाड़ ब्याज कहते हैं. चक्रवाड़ ब्याज में वो उसमें जमा कर अभी पिछले में 3 महीने 2 महीने में हमारा पेमेंट एक साथ होता था उसमें चक्रवाड़ लेके वो ज़्यादा ब्याज लेके लेते थे. और अभी जैसे लॉकडाउन था लॉकडाउन में भी आप लोगों को ब्याज भरना पड़ रहा था? हाँ ब्याज भरना पड़ता था ना. हमारा पगार आया पहले पेमेंट स्लिप से वो ब्याज कट कर दिया बाद में हमारे हाथ में वो पेमेंट आया सब मिली भगत. हाँ वो सरकार की और एसटी बैंक उसमें सब मिली भगत है. उसमें जो कामगार संगठन है जो मान्यता प्राप्त कामगार संगठन है वो शरद पवार के कामगार संगठन है वो सब मिल बांट के खाते मराठी का नाम करने का मराठी आदमियों का नाम करने का और मराठी आदमियों को फांसी पे लटकाने का ये अभी चल रहा है. और इसी बचने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ 41 4000 मत करो. ये 2 दिन में नहीं हुआ तो इधर के दो चार जन इधर ही लटक जाएंगे. कोई पर्याय नहीं है हमारे पास मरने का सिवा कोई पर्याय नहीं है. बीबी बच्चे लोग इधर लेके आए पूरा संसार अपना इधर लेके आए दूर दूर से आए जाने के लिए 5 दिन लगेगा. आते समय तो आने नहीं दिया पर जाने के लिए पैसा तो होना मांगता है. कोई फुकट तो नहीं लेके जाएगा खाने के लिए भी नहीं कुछ ले. इधर की व्यवस्था थोड़ी अच्छी की है खाने की इसलिए वो जिंदा है. 6 दिन हुआ इधर 6 दिन इधर ही सोते ठंड का मौसम है. अभी तुम ही सोचो सरकार सभी सरकार एक जैसी है मतलब किसी को अपन मैं ये नहीं करता पर किसी ने तो करना मांगता है. और ये क्या सब किसने संगठन और ये किसी ने नहीं किया है ये सब वर्कर्स ने किया है आंदोलन. किसी पक्षों का आंदोलन नहीं है. सिर्फ ये जो पक्ष वाले आते हैं वो हमको बढ़ावा देते हैं बाबा चलो हम तुम्हारे साथ है सपोर्ट देते हाँ. वो तो सरकार ने सोचना मांगता है ना. तुम उसमें राजकारण कर रहे हो उसमें राजकारण को हमको फांसी पे लटकने
तो जैसे कि लॉकडाउन था तो सरकार के तरफ से आप लोगों को क्या मदद मिलती थी लॉकडाउन में? लॉकडाउन अभी लॉकडाउन में हमने बस चलाई, तीन तीन महीनों हमको पेमेंट नहीं मिली। हम जाते थे बस चलाते थे, हमारो 3-4 हज़ार कोरोना में मर गए, उसमें 300 रुपये की ऊँट भत्ता मिलता था, वो भी अभी तक नहीं मिला हमको। पेमेंट का छोड़ दो, कोविड का 300 रुपये भत्ता लग रहता है, वो भी अभी तक नहीं मिला। जीआर निकलता है, पास हो जाता है, पैसा गायब हो जाता है, क्या करेगा वर्कर? किसके पास जाएगा, किससे बोलेगा? इसीलिए ये सब 250 डेपोज है हमारे, 250 से 250 डेपो बंद है। इसी वजह से हम न्याय मांग रहे हैं कि हमको राज्य शासन में विलीनीकरण करो, हमको दर्जा दो। देखो ये महाराष्ट्र को जब हाईटेक बनाने का है तो उसको 90% हकदार है एसटी वालों का है, और अभी भी सरकार को सोचना चाहिए। बहुत दिन हो गए, हमारे कर्मचारियों की सहनशीलता अभी ख़त्म हो रही है। तो सरकार जैसे बताती थी कि लॉकडाउन में उन्होंने काफ़ी गरीबों की मदद की है, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया। तो आप लॉकडाउन के बारे में कहिए सर कि आप लोगों को कुछ मदद नहीं मिली, तो इसके बारे में सरकार से आपका क्या कहना है? लॉकडाउन में मदद नहीं मिली है, मतलब भत्ता जो था अप्रैल मई का जो था वो नहीं मिला, तो अभी जो हमारा पेमेंट हुआ मैडम वो मिला दिवाली के बाद, भाऊबीज के दूसरे दिन हमारा पेमेंट हुआ है। और माननीय अनिल परब साहब जी कह रहे हैं कि हमको 2500 रुपये दिवाली भेंट, 2500 मैडम तेल का डब्बा आता है और कुछ नहीं आता है मैडम। इतनी हमारा जो है ना, मजाक मत बनाओ, मजाक बना दे, ये नहीं होता है मैडम। कौन से भी डिपार्टमेंट में इतना नहीं हो रहा है, ऐसा है मैडम। कुछ पेमेंट वेमेंट अब जो मिलना चाहिए था तभी नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? आप गवर्नमेंट से अनुदान तो ले रहे थे ना, फिर हम तो क्यों नहीं पूछा मैडम? मतलब आप लोगों के पैसे ही आपको देके बोल रहे हैं कि भेंट है? हाँ भेंट है, हमारे 500 रुपये बोनस तो मिलता नहीं है, वही जो मिला है भेंट मिला है, पगार तो का नामो निशान नहीं था। मेरे अकाउंट में खाली 30,000 रुपये आए, 3,000 रुपये आए सॉरी, और पगार वो सब महंगाई बता ये सब पकड़ के मेरे हाथ में कुछ 20,000 आए, उसमें क्या होता है? तो हमारे पैसा हमारे को नहीं मिल रहे हैं, 2500 रुपये में क्या होता है मैडम? कुछ भी नहीं होता है मैडम। आम्हाला तो जे बोललेलं आहे ते सर्व बरोबर बोललेलं आहे, सत्य बोललेलं आहे, कोणी मागे हटणार नाही। इथून हा जो संप आहे हा इथे अटळ राहणार आहे विलीनीकरण होतपर्यंत। विलीनीकरण झालंच पाहिजे, कारण आम्ही इथे तळाला आलेलो आहे, आम्हाला खूप प्रॉब्लेम झालेला आहे, कारण इथे सगळ्यांच्या जीवाला फाशी लागलेली आहे, टांगणीला लागलेले आहेत हे सगळे हे वर्कर जे आलेले आहेत पूर्ण ग्राउंडमध्ये आझाद मैदानामध्ये। मुख्यमंत्र्यांनी ह्या गोष्टीची दखल घ्यावी, कारण इथे खूप अन्याय होत आहे आमच्यावर। तुम्ही सर्व कर्मचाऱ्यांना सर्व सारखं देता, मग आम्हाला का? आम्ही का सावत्र आईचे आहे का? आम्ही सावत्र आईचे नाही आहे, आम्ही सगळ्याच कर्मचाऱ्यांना सारखं द्यावं असं आमची मागणी आहे, कारण आम्ही इथे काहीतरी हरवलेलं आहे आणि मुख्यमंत्री साहेबांकडे ते आम्ही मागणी करत आहे, कारण मागणी झाल्याशिवाय आम्ही माघारी जाणार नाही आहे, माघारी जाणार नाही। मी नागपूरहून आलेलो आहे, मला जायचं, माझ्या खिशामध्ये 1 रुपया नाही आहे, माझ्या खिशात फक्त माझ्या अंगामध्ये कपडे आहे फक्त, बाकी काही नाही आहे। माझं वय किंमत आहे, माझ्या पाकिटमध्ये पाहून घ्या, ह्या कागदाशिवाय काही नाही आहे, ह्या कागदाशिवाय काही नाही आहे फक्त। खूप अन्याय होत आहे आमच्यावर, सगळ्या कर्मचाऱ्यांना माझी विनंती आहे, इथे आपल्या शासनामध्ये विलीनीकरण झाल्याशिवाय कोणी इथून हटू नये, हा माझं त्यांना नम्र निवेदन आहे। आमच्या 35 कामगार 36 कामगार वारले त्यांच्या आत्म्याला, यांनी दुखावलेलं आहे, यांनी अजून आत्महत्या करू नये असं आमचं मत आहे। आणि आमच्याकडून निर्णय, शासनाकडून विलीनीकरणाचा निर्णय हा योग्य प्रकारे लवकरात लवकर लावावा
असं मी बोलत आहे, माझं वैयक्तिक मत आहे, माझ्या कर्मचाऱ्यांचं मत आहे. आम्ही विलिनीकरण झाल्याशिवाय इथून हटणार नाही हे आमचं ठाम मत आहे. आणि विलिनीकरण झाल्याशिवाय आम्ही विलिनीकरण ह्या सरकारी गाडीमधून आम्ही जाऊ. आम्हाला आम्ही इथे सरकारी मागणी आमची आहे विलिनीकरणाची. बस आम्हाला दुसरं काही नाही पाहिजे. कुठे खाजगीकरण करता कामा नाही मॅडम. ह्याचं शासनाने याची गांभीर्यपूर्ण दक्षता घ्यावी. ह्याची कुठेतरी शासनाचा असा मला डावपेच वाटतो आहे की ही कुठेतरी खाजगीकरणाकडे वळते आहे. आणि जर खाजगीकरणाकडे जर वळली तर पूर्ण हे एसटी कामगार वेटाकुट्टीला येतील. जसं गिरणी कामगारांचं झालं तीच वेळ आमच्यावरती येईल. आणि खूप गांभीर्याची गोष्ट आहे. आणि ही परिवहन सेवा म्हणजे लोकांना सेवा देणारीच सेवा आहे. हे आहे ना संस्था सामान्य जनतेची सेवा आहे. आणि त्याच्या खाजगीकरणाचं जर हे जर वेळ आली तर इसको संरक्षण कोण देगा. आम पब्लिक को जो हम लोग संरक्षण देते जो मतलब हमारी माँ बहन जो है बिंदास एसटी में प्रवास करते हैं. दिन हो या रात हो कुछ भी बिंदास कुछ सेफ्टी सेवा करते हम लोग मैडम. कुछ ऐसा कुछ भी बेफिक्र रहते क्यों रहते. क्योंकि ये आशिया खंडा में एक नंबर की सेवा है मैडम. ये ऐसी आलतू फालतू सेवा नहीं है. कोई भी नहीं चला रहे. अच्छे कर्मचारी सब गाँव खेड़े के है. सब ईमानदार आदमी है. कोई ऐसा फालतू नहीं है मैडम. इसका प्राइवेट गाड़ियाँ अभी चल रही है. अभी एसटी तो 17 दिन आज का 15,000 पगार है 17,000 पगार है. लेकिन हम लोग का कितना है 12,000. क्यों ये सब प्राइवेटाइजेशन करने का है आपको. मतलब जो हम लोग एसटी में है हमको भी कल आपको हम बाहर निकाल देंगे. और एसटी वाले जो शिवशाही वाले प्राइवेट वाले ड्राइवर है उनको ले लेंगे. फिर हम लोग कहाँ जाएंगे मैडम. हम लोग तो जैसे थे वैसे ही है. 4-4 साल करार नहीं हो रहा है. क्यों नहीं हो रहा है मॅडम. सरकार कोणसे कुंभकर्णाच्या झोपेत आहे का. का नाही तुम्ही बाहेर आहेत आणि का नाही तुम्ही आतापर्यंत या गोष्टीवरती आवाज उठवलात. तुम्ही एवढा संघटना आहे किती 26 संघटना आहेत आपल्या. का एकही संघटना पुढे आलं नाही करार करण्यासाठी. ह्याच्यावरती लक्ष देणं खूप गरजेचं आहे मॅडम. खूप गरजेचं आहे. तो सरकार से हमारी अपील है कि प्लीज़ ये लोगों की मांग जो है वो जल्द से जल्द पूरी करें. मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि लॉकडाउन था तो 300 रुपये आपको जो आते थे वो नहीं है, लेकिन जो आपकी सैलरी थी वो बराबर आती थी टाइम पे. 3 महीने लेट आती थी मैडम. 2 महीना हर महीना 3 महीने लेट आती थी. तो उस टाइम पे आप लोगों का कैसा गुजारा होता था मैडम. ये सब किधर से साहूकार से कर्जा लेने का कर्जा. और क्या ऑप्शन है मैडम. हमारा जो हमारा जॉइंट फैमिली है सब तो लेना ही है ना. खर्चा पानी जो रेशन है वो सब. लॉकडाउन में सरकार बताती थी कि हम गरीबों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन ये लोग ने बताया कि इन लोगों के जो सैलरी थे वो भी नहीं आते थे मैडम. हम लोग आमच्या जीवाची पर्वा न करता आम्ही लोकांना सेवा दिली. आज एक ही कोणच नव्हतं जेव्हा कोई भी नाही था. खाली एसटी और बेस्टी सेवा दे रहे थे हम लोग. नर्स डॉक्टर वकील मैं नाला सोपर से जे ये सब फोर्ट हम लोग ड्यूटी करते थे. वकील अपना ये जो डॉक्टर नर्स इन लोग को सेवा देते थे और हम लोग को पेमेंट नहीं. तुम्हारा आपको क्या है. जो भी ये गवर्नमेंट का काम हुआ सबसे पहले एसटी वाले चाहिए. क्यों हम लोग को क्या अमर का वरदान मिला है क्या. हमारा जीव नहीं है. हम लोग का प्राण नहीं है. सरकार एक दिन में बन सकती है. सुबह राज्यपाल की भेंट होती है और सरकार बन जाती है. लेकिन एसटी का विलीनीकरण करने के लिए आपको तकलीफ किस बात की है. हम दिन रात मेहनत करते हैं. पूरा महाराष्ट्र में 11 करोड़ जनता है. जनता का एक भी आदमी हमारे खिलाफ नहीं है. तो सोच लो सरकार कि हमारी मांग गलत है क्या. अगर सरकार जनता का एक भी आदमी किंवा एक भी संस्था नहीं बोल रही है किंवा एक भी आदमी नहीं बोल रहा है कि एसटी कर्मचारी गलत कर रहे हैं. हम उनके विरोध में हैं. ऐसा एक भी आदमी का स्टेटमेंट नहीं है मैम. पूरे महाराष्ट्र से 11 करोड़ जनता है पूरे हमारे पीछे. तो सरकार को सोचना चाहिए कि ये जनता इनके पीछे क्यों है या गलत मांग रही है. जनता को मालूम है ये 1.5 लाख 1 लाख कर्मचारी किस हाल में जीते हैं. हमारे 90% कर्मचारी है उनमें से मैं भी एक हूँ कि जिनके हाथ में 1/4 पगार आती है मैम. मैं 2013 में एसटी में ज्वाइन हुआ. मेरे को तनख्वाह है अभी मेरी सर्विस हो रही है 8-9 साल. तो उसमें मेरे को 15,000 सर्विस है. पगार है मेरे को 15,000 रुपये. मेरी और मेरी बहन की शादी एक साथ की पगार के वास्ते. उनको 3 लाख रुपये लोन लिया था मैंने. उसका हफ्ता चल रहा है. LIC का हफ्ता है और GPF का हफ्ता है.
उसमें से मेरे हाथ में 15,000 में केवल 5,000 रुपये थे, इसमें मेरी क्या गलती है? गलती मेरी है क्या? अगर ये सिचुएशन में, ये महंगाई के ज़माने में 2-3 लाख रुपए किस काम के आते? सारा घर का दो मिनट बनाना है तो 2 लाख रुपए लगते, 3 लाख रुपए लगते हैं। सर एक बेटी का मेडिकल हो जाए, कोई भी मेडिकल ऑप्शन के भी जो हम डॉक्यूमेंट भरते हैं, जो बिल भरते हैं, उसे भी वेरीफाई नहीं करते अच्छी तरह से, उसे में किसी बात में चोट निकालते, गलतियां निकालते, वृक्ष को फेल कर देते बिल को। कोविड के बिल कितने बहुत से कस्टमर अपने इन्होंने भरा है कर्मचारियों को, उनको भी फेल कर दिया। ये इतना क्यों गलत किया है? कोविड के टाइम पे आप लोग लाइट बिल भी भरते थे? सब पूरा भरते थे, पूरा जिंदगी करके हमको सब गुजारा करना पड़ता है। लाइट वाला रुकेगा नहीं, हमारा पेट है, हमारी भूख रुकेगी नहीं है, वो हमको साहूकार से कर्जा लेके सब कुछ करना है। मैडम और कुछ क्या हुआ है? या आत्महत्या की वर्कर्स ने, वो आत्महत्या नहीं है, उनको फांसी पे लटका दिया गया है। वो दिखने के लिए आत्महत्या है पर वो हत्या है, असल में वो सरकार ने की हत्या है। और इसके इसमें आवाज उठाने के लिए अभी लोग रास्ते पे उतर रहे, सब स्कूल वालों ने हमको सपोर्ट किया है, अभी इधर MSCB ने किया है, मतलब इलेक्ट्रिशियन वालों ने भी सब, मतलब सब अभी रास्ते पे उतर रहे। 600 रुपये के जगह 500 रुपये देना पड़ रहा है उन लोगों को भी। और वो 500 की कमाई की, गरीब आदमी को 500 की कमाई है क्या? तो सरकार को जागना चाहिए। और हमारी यही मांग है कि ST को शासन में विलीन करो, हमको शासन का दर्जा दो, इसलिए हम खुश रह सकेंगे, जनता को भी खुश देख सकेंगे, उनको अच्छी तरह से हम ट्रैवल कर सकेंगे। और वो भी जर शासनामध्ये विलीनीकरण झालं तर प्रवाशांना खूप आम्ही चांगली सोय देऊ, खूप चांगल्या प्रवाशांची आम्ही सेवा करू आणि खूप चांगल्या याच्यामध्ये सुधारणा होऊ शकते। मॅडम जय हिंद जय महाराष्ट्र। जैसे कि आपने देखा काफी लोग बहुत परेशान है, तो सरकार से हमारा सवाल है कि इन लोगों के पैसे कहाँ जा रहे हैं? सरकार के खिलाफ ये लोग सारे लोग स्ट्राइक पर आज आ गए हैं, तो सरकार से हम अपील करते हैं कि इन लोगों की, इन वर्कर्स की सुविधा परेशानियों को जल्द से जल्द दूर करें। ऐसे ना जाएंगे ना हटेंगे, इधर ही जाएंगे, इधर ही मरेंगे। शांत से आंदोलन चालू है, इसमें कोई ये नहीं है, शांत से चालू है मैडम। आणि आम्ही तमाम महाराष्ट्रातील जे आमचे ST चे बंधू भगणी असेल त्यांना सुद्धा विनंती करतो की आपण सुद्धा जो आतापर्यंतचा हा आपला जोश होता तो असाच आपल्या ST महामंडळाच्या आणि आझाद मैदानावरती असलेल्या आमच्या सर्व मित्रांसोबत ठेवावा आणि लवकरच आपलं शासनात विलीनीकरण होईल यात शंका नाही, परंतु असा सपोर्ट हा सर्व जनतेने सुद्धा आमच्या सोबत द्यावा। आणि आज आदरणीय पडळकर साहेब आणि सदाभाऊ खोत आणि आमचे वकील माननीय गुणवंत सदावर्ते यांचा आदेश आल्याशिवाय कोणी संप मागे घेऊ नये, कारण हा कायदेशीर संप आहे, बेकायदेशीर संप नाही आहे आणि हा बेमुदत आहे। तर माझी एकच विनंती आहे सर्व कर्मचाऱ्यांना की हा असं शांततेत संप चालू ठेवण्या, माझी एक विनंती आहे माझ्या कर्मचारी बंधूंना कोणी आत्महत्या करू नये, कारण आत्महत्या एकमेव पर्याय नाही आहे, आपल्या एका माणसावरती 4 जणांचं अवलंबून असते। महाविकास आघाडीमध्ये 2 पोपट आहे, ते उद्धव ठाकरेने पाळून ठेवले, एक नवाब मलिक आणि एक संजय राऊत। यांना 12,000 रुपये पगारात परवडते, यांच्या ड्रायव्हरला पगार किती त्या संजय राऊतला म्हणे एकदा ये ना ग्राउंडवर, ये ना तुला कळण ना तिथं काय पोपटावानी बोलतो, इथं जरा ये त्याला विचारा जरा, इथं आल्यानंतर त्याला कळण तू पोपट आहे का, तुला पोपट लाल करून ठेवतील म्हणे इथं आल्यानंतर। 12,000 रुपये पगार भरपूर आहे बोलतो, लाज नाही वाटत त्याला, शरम आहे का? त्याच्या ड्रायव्हरला पगार किती त्याला विचारा, आणि कधी पण उठला का सुटला काय पोपटावानी बोलतो त्याला, याच्या टीका कर त्याच्यावर टीका कर। परिवहन मंत्रीच भामटा आहे, त्याच्या मागे येडी लागली आणि तो काय आमचा न्याय करणार? हां आणि त्या पोपटाला बोला एकच ठिकाणी चोच आलो, प्रत्येक ठिकाणी चोच आलोशी ना त्याला मागात पडन, हे कर्मचारी आहे, याच्यानंतर येऊ नका आमच्या घर, आम्ही आज तुमच्या दारात भीक मागतोय, तुम्ही आमच्या दारात भीक मागायला येणार नाही, भीक मागायला आले तर आम्हाला माहिती आहे तुम्ही भीक मागणार, तुम्ही भिकारी सर्वात जास्त भिकारी मतदानासाठी आमच्या घर येणार, आमचे ST कर्मचारी एवढे पण असे नाही आहे समजणार का, आपल्याला कोणी काय केलं कोणी साथ दिली याच्यावर ठामपणे निर्णय घेणार? त्यांना म्हणा आता बाद झालं, तुमचं नाटक बंद करा, इथं ग्राउंडला या, नाही तर तुम्ही घरी बसूनच आजारी पडाल अजून। हां जय हिंद जय महाराष्ट्र। जैसे कि आपने देखा हम यहाँ पहुँचे थे आज़ाद मैदान में, जहाँ ST बस के कर्मचारियों ने स्ट्राइक किया हुआ था। सरकार से इनकी अपील है कि इनके जो भी सैलरी है इनको, ये लोग सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे थे और 6 दिन से इन लोगों ने स्ट्राइक किया हुआ था अपने परिवार के साथ आकर।
जानकारी से पता चला कि 40 लोगों ने यहाँ पर एसटी बस के कर्मचारियों ने फांसी ले ली थी। तो सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि 40 से 400 ना होने दें, इन लोगों की परेशानी पर ध्यान दें, जल्द से जल्द हो सके तो इन लोगों की परेशानियों को सॉल्व करें। धन्यवाद।